व्यापारी ने की किसानों से ठगी, करोड़ों रुपए लेकर भागा। सिवनी मालवा का अनाज व्यापारी ने क्षेत्र के किसानों की फसल खरीदने के बाद भुगतान किए बिना फरार हो गया। अब किसान फसल के भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों से हुई ठगी के मामले को लेकर भारतीय किसान संघ ने कल एसडीएम धीरेन्द्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। किसान संघ के सदस्यों ने बताया, व्यापारी ओम प्रकाश सोनी पिता लक्ष्मी नारायण सोनी तहसील क्षेत्र के करीब 2 साल से किसानों से अनाज और जेवर की खरीद करता था। इसके पहले भी ये टिमरानी में 1 करोड़ की खरीदी बिना भुगतान किए फरार हो गया था। किसान संघ के संतोष पटवारी ने बताया कि ओम प्रकाश सोनी का आधार कार्ड अन्य दस्तावेजी की कॉपी है। सिवनी मालवा में नाले के पास किराए से रहता है, जो बरेली जिला रायसेन का है। किसानों ने चने की फसल अनाज व्यापारी को भेजी है, इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसान संघ ने व्यापारी से रुपये और जेवर 7 दिन में वापस दिलाने की मांग की है। एसडीएम की अगर मांग पूरी नहीं होने पर किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। इसकी सारी जवाबदारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। किस बात को लेकर ज्ञापन देने आया? चना का। क्या हुआ चना का? चना वो व्यापारी ने उधार खरीद के कितने गया था? तो क्या हुआ उसके बाद? आइए, आज भारतीय किसान संघ ने जो है ये ज्ञापन दिया है कि ओम प्रकाश सोनी यहाँ पिछले 2 वर्षों से निवास करते थे सिवनी मालवा में, और ये किसानों से अनाज खरीदते थे, उन्होंने भुगतान नहीं किया है इस क्षेत्र में और टिमरनी क्षेत्र में। टीआई से बात हुई और टीआई ने कहा है कि जिन किसानों के साथ धोखाधड़ी की है उन सबको बुलाया जा रहा है थाने में, उनके बयान लिए जाएंगे, उनके आवेदन पे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। भाई साहब, इस क्षेत्र सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र में एक व्यापारी पिछले दो साल से सक्रिय था, और प्रकाश ओम सोनी के नाम से है वो, और इसने क्षेत्र के लगभग 2 करोड़ का चना और गेहूं की फसल किसानों से खरीदी है। वहीं टिमरनी क्षेत्र की भी लगभग 1 करोड़ की फसल खरीद के, और ये व्यक्ति फरार हो गया और इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। इससे शासन प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट।